चलिए हम बात करते हैं आज बल के बारे में, क्या होता है बल। ठीक है, तो देखिए बल क्या होता है। हम दैनिक जीवन में बल का ही प्रयोग करते हैं। कैसे, आपने कभी ना कभी तो दरवाजा खोला ही होगा, किसी ना किसी चीज को उठाया होगा, किसी ना किसी चीज को धक्का दिया होगा। समझ रहे हैं ना, किसी ना किसी चीज को आपने धक्का दिया, किसी ना किसी चीज को उठाया, दरवाजा खोलना बंद करना, वो किसकी वजह से संभव है, किसकी वजह से पॉसिबल है, तो वो होता है बल। ठीक है, हम बल के बारे में समझने वाले हैं। बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है। तो बल वह माध्यम है, बल वह माध्यम है जो किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर दे तथा किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे। मान लेते हैं आप बाइक वगैरह खड़ी है या कोई गाड़ी वगैरह खड़ी है, आप उसको धक्का देंगे तो वो क्या हो जाएगी, है ना, वो गति अवस्था में हो जाएगी। आप देखते हैं गाँव में बाइक वक लेके जाते हैं कोई, तो आप उसको पीछे से पकड़ लेते हैं, है ना, तो आपका ये आप उसको किस तरह से खींच रहे हैं, क्या लग रहा है, तो बल लग रहा है। इसी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम पढ़ेंगे इस चीज में, इस वीडियो में हम वही पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बल क्या होता है। तो बल एक ऐसा, है ना, आसान भाषा में समझे, एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी गतिमान वस्तु को क्या कर दे, स्थिर कर दे, और किसी स्थिर वस्तु को क्या कर दे, गतिमान कर दे। या आम बोलचाल की भाषा में हम बोले कि किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना या धकेलना किसकी वजह से संभव है, बल की वजह से। किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना या ढकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो बल क्या है, बिना बल के आप लिखते हो, आप लिखने का काम करते हैं, तो आप देखते हैं कॉपी वगैरह पे जब आप पेन का यूज करते हैं तो आप देखते हैं उस पे, है ना, अगले पेज पे क्या पड़ जाता है, दाब की वजह से पता चल जाता है कि आपने अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या लगा रहे, लिखते बिना बल, जब मैं आपको घर्षण बल बल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिखते हैं। बिना बल के आप लिख भी नहीं सकते। आप ब्रश वगैरह करते हैं तो दबा के नहीं ब्रश करते हैं, तो बिना बल के वो आपका दांत ही नहीं साफ होगा। नॉर्मल करते रहो दिन भर ऐसे ही लेके, कोई मतलब नहीं होने वाला। समझ रहे, तो बल क्या होता है, तो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना व धकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। पॉइंट क्लियर है, आगे समझते हैं। बलों का संयोजन, बलों का संयोजन का मतलब होता है बलों का जुड़ना। बल आपस में जुड़ के कैसे काम करते हैं। कोई आदमी है जिसकी जीप वगैरह कहीं फंस गई, किसी की जीप कहीं फंस गई है तो दो जन धक्का लगा रहे, समझ रहे हैं, दो लोग धक्का लगा रहे हैं, तो क्या होता है, एक पहले एक आदमी धक्का लगाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, कई जन मिल के उस जीप को धक्का देते हैं और जीप क्या होती है ना, आगे चल पड़ती है। तो क्या हुआ, पहले आदमी का बल प्लस दूसरे आदमी का बल प्लस तीसरे आदमी का बल, ऐसे करते करते कई आदमियों का बल, कई व्यक्तियों का बल मिलकर क्या करता है, धक्का लगाता है। तो पहले का बल उसके साथ दूसरे वाले का जुड़ा, तीसरे का जुड़ा, चौथे का जुड़ा, अब चट्ठो काहिल रहेंगे, एक मिला धक्का मारेगा, दो मिला खाली बस टच करके रखिए, तो बल नहीं जुड़ेगा। जब कई लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, एक साथ काम मिलके करते हैं, धक्का वगैरह लगाते हैं, तो वहां पे बल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ क्या है कि बल, जब बल तभी जुड़ेगा जब बल एक ही दिशा में लगाया जाए। मतलब जीप फंस गई है, कोई गाड़ी फंस गई है, तो हम उसे धक्का लगा रहे हैं, तो चार जन इधर से धक्का लगा रहे हैं, चार जन उधर से धक्का लगा रहे हैं, तो ना जीप आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, एक ही दिशा में। मान लेते हैं अगर जीप को हमें पश्चिम की दिशा में धक्का लगाना है, तो सभी को पूरब से धक्का लगाना है पश्चिम की तरफ। अब चार जन पश्चिम से लगा रहे हैं, चार जन पूरब से लगा रहे हैं, तो वो जीप नहीं हिलेगी। तो बल का संयोजन क्या होता है, जब कई बल आपस में जुड़कर कोई परिणाम निकालते हैं तो वो संयोजन वहां पे बल जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि धक्का तभी लगाएं और बल हमेशा एक ही दिशा में लगाएंगे तो जाके बल जुड़ेगा। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये चार जन इधर से चार जन इधर से तो उनका बल इनका बल दोनों टकराएगा, कोई मतलब नहीं है बल का। समझ गए बात को ना, तो बलों का संयोजन वहां पे किया जाता है। जैसे किसी वस्तु को धक्का वगैरह लगाने में अगर एक आदमी नहीं कर, उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो धक्का लगा पाए, तो कई लोग मिलके धक्का लगाते हैं और कई लोगों का बल वहां क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, बशर्ते एक ही दिशा में वो बल लगाना चाहिए। क्लियर पॉइंट, आगे समझते हैं।
बल के प्रकार। पहले मापन समझ लो, बल को कैसे मापा जाता है। आप ठोस वस्तु हैं जैसे आलू प्याज है ना, ये सब लेके आते हैं तो केजी में लेके आते हैं। लिक्विड चीज़ें तरल चीज़ें आप लेके आते हैं लीटर में लेके आते हैं। कपड़ा वगैरह आप मीटर में लेके आते हैं। ठीक उसी प्रकार से बल को भी मापा जाता है। तो बल का, बल को मापने का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। बल को किस में मापा जाता है? तो बल को न्यूटन में मापा जाता है, जिसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए मापन कैसे मापा जाता है? तो न्यूटन में मापा जाता है। बल के प्रकार की बात हम करते हैं। बल कितने प्रकार का होता है? स्पेशली हमें पढ़ने हैं पांच बल। पहला बल है पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। इतना ही स्पेशली हमें पढ़ना है। पहला है पेशीय बल। जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं, जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं तो उठाने में आपकी पेशियां कार्यरत होती हैं। जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं तो उठाने में आपकी पेशियां कार्यरत होती हैं। मतलब उस समय कौन सा बल कार्य करता है? तो वहां पे कार्य करता है पेशीय बल। किसी वस्तु को फेंकने उठाने में कौन सा बल काम करता है? वहां पे पेशीय बल। पेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को उठाने और फेंकने में जो बल लगाते हैं वो होता है पेशीय बल। पॉइंट क्लियर है। चुंबकीय बल, आप चुंबकीय बल जानते हैं कि जब लोहे निकिल वगैरह को, लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को चुंबक के पास लाया जाता है तो चुंबक क्या करता है? उन वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उन वस्तुओं के, चुंबक और उन वस्तुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है? वहां पे कार्य करता है चुंबकीय बल, है ना। वह बल जो लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। क्लियर हो? अगला पॉइंट, स्थिर वैद्युत बल। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसे समझना कैसे है कि ये आवेश पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना। किसी स्थिर वैद्युत आवेश द्वारा, किसी स्थिर वैद्युत आवेश द्वारा आरोपित किया गया बल, किसी स्थिर वैद्युत आवेश द्वारा, आरोपित का मतलब होता है लगाया गया। आप सुने हैं ये आरोपी है, है ना, आरोपी है। आरोपी का मतलब क्या है? जिस पे कोई आरोप लगा हो उसे बोलते हैं आरोपी। आरोपित का मतलब लगाया गया, ठीक है। तो किसी स्थिर वैद्युत द्वारा, आवेश द्वारा लगाया गया या आरोपित किया हुआ बल क्या कहलाता है? आरोपित बल कहलाता है, है ना, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इसे हम पढ़ेंगे, जब हम इसको विस्तार से एक एक बल पढ़ेंगे तो हम विस्तार से इसे देखेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, आप जब पढ़ते हैं या आप बैट बॉल खेलते हैं, आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आप देखते हैं जब आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो आपके हाथ से अगर कलम छूट जाती है तो वो कहाँ गिर जाती है? जमीन पर। आप बैट बॉल खेलते हैं तो बॉल को जब ऊपर आप मारते हैं तो वो वापस आती है, टकरा के क्या करती है? वापस आती है। तो किसकी वजह से वो वापस आती है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वापस आती है। कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। स्पेशली गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा ही लगाया जाता है। वह बल जो क्या करता है? वस्तु को खींचने का, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल जो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फल वगैरह देखते हैं टूट के गिरते हैं तो वो जमीन पे गिरते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आम टूटा ऊपर भाग गया, नहीं। क्यों नीचे वो गिरता है? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। पॉइंट समझ में आ गया ना। आगे समझते हैं घर्षण बल। क्या होता है घर्षण बल? अगर घर्षण बल को हटा दिया जाए तो आप बाइक नहीं चला सकते, साइकिल नहीं चला सकते, रोड पे चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। कैसे? आप जब लिखने का काम करते हैं, जब आप लिखते हैं तो पेन को क्या करते हैं? अपनी कॉपी पे रगड़ते हैं। रगड़ते कि नहीं रगड़ते? रगड़ से क्या होता है? वो पेन चलने लगती है और आप कुछ लिख पाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो अगर साइकिल और सड़क के बीच संपर्क नहीं होगा, साइकिल समझ रहे हैं ना, साइकिल और आपका जो टायर है या टायर जो है सड़क से संपर्क में नहीं आएगा तो आपकी साइकिल कभी चलेगी ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रेक मारना। आप देखते हैं टायरों में कटिंग की जाती है, टायर में जो कट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? खुरदरे के लिए किया जाता है। अगर सड़क टाइल्स वाली होती आपको एक्सीडेंट कितना होता सोच लो,
पहले चीज तो चलाना असंभव होता है, क्योंकि घर्षण बल वहीं पे सबसे ज्यादा काम करता है जहां पे खुरदुरापन होता है। अगर सड़क खुरदरी ना हो, एकदम प्लेन हो, तो आप साइकिल तो चलाएंगे भाई, चलो चला रहे, ब्रेक मारेंगे यहाँ तो रुकेगी जाके फरीदाबाद, तब तक तो एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा मुंह सुझा देंगे कुल मार के। क्यों सुझा देंगे भाई? टायरों में जो कटिंग की जाती है वो घर्षण बनाने के लिए किया जाता है, ताकि आप तुरंत ब्रेक मारेंगे तो घर्षण होगा, खुरदुरा होगा तो वो रगड़ के क्या होगा, रुक जाएगा। समझ रहे ना? तो घर्षण बल क्या होता है? जो किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर दे, जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे, वही है घर्षण बल। समझ रहे ना? घर्षण बल का उदाहरण मैंने आपको समझाया ना, कि आप लिखते हैं तो भी घर्षण बल का यूज करते हैं, साइकिल चलाते हैं, ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक भी किसकी वजह से लगता है? घर्षण, घिसने की वजह से, रगड़ की वजह से जो बल काम करता है उसे हम बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, आगे समझते हैं बलों के प्रभाव। क्या प्रभाव डालता है बल? विरामावस्था, गति अवस्था, पहले क्या काम करता है बल, क्या काम करता है, प्रभाव क्या है? तो बल विरामावस्था को, बल विराम, किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, खड़ी है, तो उसे क्या कर सकता है? गतिमान अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। मतलब बल किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है, साथ ही साथ कोई वस्तु गतिमान है उसे स्थिर कर देगा, और कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, कोई वस्तु खड़ी है, ये कुर्सी हम रख देते हैं, कुर्सी को एक जगह रख देते हैं, तो हम उसे धक्का लगा के उसे आगे धकेल सकते हैं, है ना? तो बल किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है, और किसी स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है? गतिमान कर सकता है। दूसरा पॉइंट, चाल में परिवर्तन। बल क्या कर सकता है? चाल में परिवर्तन कर सकता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बाइक चला रहा है, और आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप बाइक को पकड़ लीजिए, और आप चाहेंगे तो उसे पकड़ के खींचने लगेंगे, आप कुछ ना तो लटक जाओ, थोड़ा सा पैर टूटेगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो किसी गतिमान, ये चाल में, बल के द्वारा हम किसी वस्तु के चाल में भी परिवर्तन कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझना, किसी विरामा, कोई वस्तु है जो विरामावस्था में है, उसे हम गतिज अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, और कोई वस्तु जो गतिज अवस्था में है उसे हम विरामावस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। हम चाल में परिवर्तन, बल लगा के किसी वस्तु की क्या कर सकते हैं? चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला समझेंगे, गति की दिशा में परिवर्तन। उदाहरण समझो, आप बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट आप खेलते हैं, उधर से एक बंदा बॉलिंग करता है, बॉलर बॉलिंग करता है, आप क्या करते हैं? और आप इधर से बल्ला लगाते हैं और मारते हैं, इधर से बॉल आई, बॉल इधर चली गई, आती है ना, इधर से बॉल आती है, आप मार देते, इधर चली जाती है ना, अपर कट मारते हैं, ऐसे उठा देते हैं, तो क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। होता क्या है कि हम करते क्या है, हम बल लगाते हैं, कोई वस्तु एक दिशा से आती है और इधर से हम बल लगाते हैं, तो किसी गतिमान वस्तु की दिशा में भी हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। किसके द्वारा? बल लगा के। अब वो बॉलिंग कर रहा तो वैसे बैठ लेके खड़े रहोगे, टकरा के गिर जाएगी, है ना, लेकिन आप बल लगाएंगे तो आप उसकी पूरी दिशा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। तो बल के द्वारा हम किसी गति, कोई वस्तु है जो गति में है, उसकी दिशा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दूसरा समझो, कोई बहुत तेजी से बाइक लेके आ रहा है और तुम साइकिल लेकर धड़ाक से मारो, ऐसे गाड़ी इधर से आ रही, इधर घूम जाएगी, उसकी घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? होता कि नहीं होता? तो किसी गतिमान, बल लगाने से किसी गतिमान वस्तु की दिशा में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। जिसका अच्छा सा उदाहरण मैंने आपको क्रिकेट बॉल का बताया, क्रिकेट बॉल आप खेलते हैं, एक तरफ से बॉल आती है, अब दूसरी तरफ उसकी दिशा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैच आउट हो गए तो वो आपकी जिम्मेदारी, मजबूत मारो। ठीक है, आकृति व आकार में परिवर्तन। आकृति व आकार में भी हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं बल लगा के। इसका आसान उदाहरण समझो, कुर्सी यही रखी है, टेबल रखा आपके पास, बुक रखी है ना, कोई भी प्लास्टिक का सामान है, मिट्टी का सामान है, घड़ा वगैरह है, तो आप बल लगाएंगे, इसे पकड़ के मटका मारेंगे, धड़ के फूट गया, उसका आकार बदल गया कि नहीं बदल गया? आकृति बदल गई कि नहीं बदल गई? तो किसी वस्तु के आकार और आकृति में भी हम बल लगा के परिवर्तन कर सकते हैं। हम आपके भी, आपके शरीर का भी परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ कहाँ के मुँह सुझा देंगे, है ना, अभी आपको पकड़ के मजबूत मारा जाए तो यहाँ परिवर्तन हुआ कि नहीं, तुम्हारे चेहरे में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो किसी जीव के या किसी वस्तु के आकार एवं आकृति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। किसके द्वारा? बल के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है। ठीक है, संपर्क बल का मतलब क्या होता है? वह बल जब वस्तु के, देखो, वह बल जब वह वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे,
वह बल जो वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे। जैसे घोड़ा गाड़ी, उदाहरण के तौर पे समझो, घोड़ा गाड़ी होता क्या है, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है, घोड़ा है ना, वो आता है जो चलाता है उसे, घोड़े को बांधता है और घोड़ा जब चल देता है तो वो चलने लगती है। तो जब तक घोड़ा नहीं आया था तब तक वो गाड़ी चली थी नहीं। तो वह बल जो संपर्क में आने पे कार्य करता है उसे बोलते हैं हम क्या, उसे हम बोलते हैं संपर्क बल। दूसरा समझ लो असंपर्क बल, वह बल जो संपर्क में बिना आए कार्य करता है उसे बोलते हैं असंपर्क बल। जैसे लोहे की कोई वस्तु होती है, चुंबक उसके बगल से हम गुजारते हैं, वो क्या कर लेता है, उसे बिना संपर्क में आए उसे क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इसे हम बोलते हैं असंपर्क बल। पॉइंट समझ में आ गया, बेस्ट ऑफ लक।